हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं हूँ आकांक्षा और आपके सामने हाजिर हूँ आज एक नए वीडियो के साथ में। तो सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को स्किप मत किया कीजिए। सभी लाइंस एनसीईआरटी बेस्ड हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जानेंगे इस वीडियो में बायो मॉलिक्यूल्स के टाइप्स के बारे में कि बायो मॉलिक्यूल्स में कौन कौन से टाइप्स के यौगिक कंपोनेंट्स पाए जा रहे थे। तो इसमें टू टाइप्स के कंपोनेंट्स पाए जा रहे थे, एक था माइक्रो मॉलिक्यूल्स, दूसरा था मैक्रो मॉलिक्यूल्स। तो जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स में उसमें था अमीनो एसिड्स, नाइट्रोजन बेस, मोनोसैक्राइड्स, लिपिड्स। और जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स था उसमें था प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसैक्राइड्स और लिपिड्स। ऑल द कार्बन कंपाउंड्स दैट वी गेट फ्रॉम लिविंग टिश्यूज, ऑल द कार्बन कंपाउंड, सभी कार्बनिक यौगिक दैट वी गेट फ्रॉम, जो हमें प्राप्त कर होते हैं लिविंग जीवित ऊतकों से, उन्हें सब उन सबको बायो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। हिंदी में देखें तो जीव ऊतकों में मिलने वाले सभी कार्बनिक यौगिकों को जैवड़ कहते हैं। कंपेरिजन ऑफ एलिमेंट्स प्रजेंट इन नॉन लिविंग एंड लिविंग मैटर, मतलब ये एक टेबल दी गई हुई है जिसमें कि कंपेयर किया गया है लिविंग और नॉन लिविंग मैटर पर। तो ये फर्स्ट कॉलम में लिखा एलिमेंट्स, दूसरे में वेट ऑफ अर्थ्स क्रस्ट, वेट ऑफ अर्थ्स बॉडी और क्रस्ट ह्यूमन। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं, ये हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सिलिकॉन। तो इसमें नाइट्रोजन जो बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ही लिटिल मात्रा में पाया जाता है। अमीनो एसिड्स, तो जो अमीनो एसिड्स होते हैं, अमीनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग एंड अमीनो ग्रुप। तो अमीनो एसिड्स होते हैं ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक हैं जिसमें पाया जाता है एक अमीनो ग्रुप और एक एसिडिक ग्रुप एज सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द सेम कार्बन, एक ही कार्बन पर एक एसिडिक ग्रुप था और एक था अमीनो ग्रुप। इस प्रकार के कार्बन को क्या कहते हैं, इस प्रकार के कार्बन दे आर कॉल्ड अल्फा कार्बन एंड दे आर कॉल्ड अमीनो एसिड्स, और इस प्रकार के अमीनो एसिड्स को अल्फा अमीनो एसिड्स कहते हैं। दे आर सब्स्टिट्यूटेड मेथेन्स, ये प्रतिस्थापित मेथेन्स होते हैं, यानी एक सब्स्टिट्यूट होते हैं। सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप ऑक्यूपाइंग द फोर वैलेंसी पोजीशंस, इनके जो चार वैलेंसी पोजीशंस होती हैं उसमें चार सब्स्टिट्यूएंट्स प्रतिस्थापित ग्रुप पाए जाते हैं। दीज आर, इसमें होता है हाइड्रोजन, कार्बन ग्रुप, अमीनो एसिड और ए वेरिएबल ग्रुप डिजाइनेटेड एज ए आर ग्रुप, और एक प्रतिस्थापित आर ग्रुप बेस्ड ऑन द नेचर, प्रकृति के आधार पर पाया जाता है। देयर आर मैनी अमीनो एसिड्स, इसमें बहुत सारे अमीनो एसिड्स होते हैं। दोज विच अकर इन प्रोटीन आर ओनली ऑफ 20 टाइप्स, फिर भी प्रोटीन की उपलब्धता के आधार पर 20 प्रकार के होते हैं। द आर ग्रुप इन दिस प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड्स कुड बी हाइड्रोजन, ये सब द अमीनो एसिड इज कॉल्ड ग्लाइसिन, तो जो अमीनो एसिड था उसे ग्लाइसिन कहते हैं। ए मेथिल ग्रुप, जब इसमें हाइड्रोजन पाया जाता है तो उसे ग्लाइसिन कहते हैं, और जब इसमें मेथिन ग्रुप पाया जाता है तो उसे एलानिन, और जब इसमें हाइड्रोक्सिल मेथेन पाया जाता है तो उसको सेरीन के नाम से जानते हैं। द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड्स, मतलब रासायनिक और भौतिक प्रकृति के आधार पर अमीनो एसिड्स को जो अकॉर्डिंग टू द कार्बोक्सिलिक और फंक्शनल ग्रुप आर फंक्शनल ग्रुप के आधार पर होती हैं। देयर आर एसिडिक, ये एसिडिक भी हो सकते हैं, जिसे ग्लूटामिक, इसका एग्जांपल है ग्लूटामिक एसिड। इट हैज़ मैनी कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसमें बहुत सारे कार्बोक्सिलिक ग्रुप पाए जाते हैं। जो बेसिक होता है उसमें उसे लाइसिन कहते हैं, लाइसिन हो सकता है, और जो न्यूट्रल है वो वैलिन होता है, अमीनो एसिड होते हैं। सम एरोमेटिक अमीनो एसिड्स आर ऑल्सो फाउंड, कुछ एरोमेटिक अमीनो एसिड्स भी पाए जाते हैं, जैसे कि टायरोसिन है, फैलिन एनालिन है और ट्रिप्टोफन है। ये नीचे आपके ये जो नीचे दिया गया है, ये अमीनो अम्ल्स के संरचनात्मक इकाइयां हैं, मतलब स्ट्रक्चरल ये स्ट्रक्चर दिए गए हैं। तो जो इसमें जो बी वाला है, ये इसको बी इच कार्ड ज्यूटर आयन, इसको ज्यूटर आयन्स कहते हैं, जिसमें कि एक वो कौन सा ग्रुप आर ग्रुप है जिसको वो कहते हैं, क्या कहते हैं, हाइड्रोक्स, अरे वो
आंसर ये ग्रुप है वो, चलिए याद नहीं आ रहा, फिर बताएंगे। तो इसमें इसे ज्योटर आयन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें दो आयन्स पाए जा रहे हैं, इधर ये मेथेन है और इधर ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो इसमें दोनों में आयन पाए जाते हैं और एक दूसरे के आयनों को कैरी करते हैं, इसलिए इसे ज्योटर आयन कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।